हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 और एक्सरसाइज क्या है हमारे सामने। हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। किसके लिए? जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं और उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ गई तो आप उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है, बस उसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो पहले तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका देखिए कि प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है तो उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अगर टी प्रोजेक्शन है तो टी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स जीरो, ठीक है ना। प्रोजेक्शन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस जीरो होगा, ऑब्वियस है भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, कोई भी पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स जीरो होगा, इस लाइन पे होगा, ठीक है। तो देखिए, यहां से मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं। आपको पता है कि मैट्रिक्स कैसे बनाते थे? मैट्रिक्स मैंने बताया था तब भी कि वन जीरो लीजिए उसकी जो वैल्यू आएगी वो, और जीरो वन लीजिए उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए, इनको क्या करते थे, मैट्रिक्स की रोज की फॉर्म में लिखते थे। ये लिख लिया वन जीरो, ये लिख लिया जीरो जीरो, ठीक है। तो ये हो गया सारा। तो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद, हाँ, विद गिवन, हाँ नहीं, जस्ट अ सेकेंड, लिखा हुआ है नीचे, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाई, तो ये दिया हुआ है, ये आ गई मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए। तो उसको क्या करते थे, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे। ये अब उसमें क्या था, आपको मालूम है ये लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आती थी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते थे। अब लैम्डा जीरो के लिए हम कोई एक आइगन वैक्टर लेते थे, एसोसिएटेड विद लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है ना। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, जीरो, और ए एक्स इजिकल टू जीरो हो गया। और यहाँ पे जब इक्वेट करते, देखिए ये ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी, एक्स की वैल्यू ये लिखी, और जीरो ये लिखा। और अब जब इक्वेट किया तो क्या इक्वेशन बनेगी, जीरो प्लस जीरो इजिकल टू जीरो जीरो। इसको इक्वेट किया तो एक्स जीरो इजिकल टू जीरो जीरो, और यहाँ से क्या आ गया, एक्स इजिकल टू जीरो, जीरो इजिकल टू जीरो, तो ये आ गया एक्स इजिकल टू जीरो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से x इजिकल टू जीरो तो आ गया, तो y की कोई भी वैल्यू, देखो x इजिकल टू जीरो आया लेकिन y की वैल्यू तो कोई नहीं आई, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने कहा y इजिकल टू k, तो अब कैसे वेक्टर लिखते हैं, तो x की जीरो आ गई, इसको जीरो लिख लिया, y की k लिख ली, इज द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा इजिकल टू जीरो, ये हो गया। और यही जब आइगन वैल्यू लैम्डा इजिकल टू वन था तो आइगन वेक्टर तब भी यही लिया। अब इसको निकालना है, लैम्डा इजिकल टू वन लिया तो वन आ गया। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ये जो ले तो स्केलर है, लैम्डा स्केलर है, उसके साथ आई आता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स बनेगी। तो आई ए एक्स इजिकल टू वन आ गया, एक्स आई आ गया, ए एक्स इजिकल टू एक्स आई आ गया, ए एक्स इसको माइनस कर दिया उस तरफ ले गया, इजिकल टू जीरो हो गया, ए माइनस आई एक्स हो गया, ठीक है ना। और इसको कीजिए, ए की वैल्यू आपको मालूम है ऊपर से उठाइए, और आई की वैल्यू आइडेंटिटी ये उठाइए, इसको बाहर जो एक्स है इसको यहाँ पे आ गया, इजिकल टू जीरो जीरो ये आ गया। अब इसको सब माइनस किया, अब जे माइनस किया दोनों को, ये आ गया, इसके साथ एक्स वाई है। और अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो और जीरो माइनस वाई इजिकल टू जीरो जीरो। और जब इक्वेट किया तो माइनस वाई इजिकल टू जीरो आ गया, और वाई इजिकल टू इससे क्या आ गया, वाई इजिकल टू जीरो। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, दैट इज एक्स इजिकल टू कुछ भी यू रख दिया। और अब क्या हो गया, x की वैल्यू तो u आ गई और y की वैल्यू सबको पता है जीरो आ गई, क्योंकि ये क्या था, x और y था ना, देखिए यहाँ पे यही था। तो x की वैल्यू तो म्यू ले ली और y की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो ये है भाई, ये आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो आपने आइगन वैल्यूज भी निकाल ली, तो प्रोसेस क्या था, देखिए प्रोसेस सब में यही होगा। आपको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है पहले वो मालूम होनी चाहिए कि क्या है, जैसे हाँ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इजिकल टू एक्स, आपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इजिकल टू एक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी,
टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, यही थी इसकी अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई पे, तो ठीक है। तो उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, मैट्रिक्स अगर ये बनेगी तो जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसको सेम करेक्टरिस्टिक ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की जो वैल्यू होगी उसके कारस्पॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई आइगन वैक्टर लेंगे, आइगन वैक्टर में एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगी वो इसका लैम्डा की कुछ वैल्यू आ सकती है, दो वैल्यू आएंगी या तो सेम होगी, आपको पता है यूनिट फर्स्ट में आपको आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर निकालना, मैट्रिक्स मिल गई तो उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर निकालना आपका काम है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। आपको बस मैट्रिक्स पे ध्यान देना है कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही देखिए थर्ड क्या था, रोटेशन थ्रू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो रोटेशन के लिए आपको फंक्शन डिफाइन किया था, ये देखो ऐसे फंक्शन डिफाइन करके दिया था, और थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो देखिए यहां से ये सॉल्व करते करते यहां पे पहुंच गए, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द, ये आ गई मैट्रिक्स के बाद हम आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स को निकाल सकते हैं, ये ठीक है। तो ये आ गया, वो प्रोसेस पूरा सेम है, आपको a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो लेना है, यहाँ से लैम्डा निकालना है, फिर लैम्डा के लिए x इज इक्वल टू एक्स वाई लेना है और x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आइगन वेक्टर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, तो ये है, ये ले लिया है। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए मैट्रिक्स जो आएगी ये आएगी, ठीक है, और आप इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल लेना। और लास्ट में क्या था, प्रोजेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो उसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है और मैट्रिक्स एसोसिएटेड ये आएगी, आप इसको करके देख सकते हैं। क्यों, टी ऑफ 1 0 करेंगे, टी ऑफ 0 1 करेंगे, जो वैल्यू आएगी देखिए यहाँ पे टी ऑफ 1 0 क्या आएगा 0 0, और यहाँ पे 0 1 क्या आएगा 0 1, ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या बन गई 0 0 0 1, यही है सेम है, तो मैट्रिक्स मिल गई। आप यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो करके आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहां से आइगन वेक्टर निकलेंगे, ठीक है, तो ये आप कर लेना। अब है डेफिनेशन इनवेरिएंट सबस्पेस की, अब डेफिनेशन है इनवेरिएंट सबस्पेस की। क्या होता है इनवेरिएंट सबस्पेस, ये वो सबस्पेस है यहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिफाइन होती है तो उसकी जो इमेज आती है वो भी उसी सेट से आती है। सपोज करो एक x या y कोई सबसेट है किसका, Rn का, और t कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, Rn से Rn के ऊपर। तो ये जो यहाँ पे एक y इसका सबसेट होगा Rn का, वो इनवेरिएंट सबस्पेस होगा, कब, कि अगर t ऑफ y करूँगा तो वो सबसेट किसका होगा, देखो y यहाँ पे भी होगा और y यहाँ पे भी होगा, वो सबसेट y का ही होना चाहिए, यही हो रहा है, ठीक है ना। तो जो यहां से निकला उसकी इमेज भी वहीं पे जाएगी, ये होता है इनवेरिएंट सबस्पेस। तो ये सबस्पेस वाई इज सेट टू बी एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ आर एन इफ देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन उस वाई सेट पे होना चाहिए, और अगर ये होगा तो वो सबसेट होगा वाई का ही, कि आगे जाके वह चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, इस सेट के बाहर का भी आ सकता है, लेकिन अगर बाहर का नहीं आया तो ये जो वाई सबस्पेस बना रहा था ये इनवेरिएंट सबस्पेस हो गया, ठीक है ना। अगर उसने कहा कि अगर कोई x एक सबसेट भी होगा ना y का, ठीक है ना, सपोज करो ये x आ गया, ये सबसेट किसका y का, और y किसका सबसेट है Rn का, लेकिन जो अगर x होगा ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। देखो अगर y होगा तो t ऑफ y किस में होना चाहिए, y में, अगर लेकिन x होगा y में तो t ऑफ x किसके में आना चाहिए, ठीक है ना, ये भी इसी y में आना चाहिए। आप देख रहे हो टी ऑफ वाई भी वाई में था और टी ऑफ एक्स भी वाई में ही होना चाहिए। इस तरीके की अगर कोई सबस्पेस बनाएगा उसको कहते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस, ठीक है ना। और इसने बोल दिया कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और लैम्डा भी आइगन वैल्यू होगी उसकी, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इससे मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगी, मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगी तो हम इसको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। उसने बोला अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लैम्डा आइगन वैल्यू होगी, देन टी एक्स अगर लैम्डा एक्स की तरह आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दे, दैट द आइगन स्पेस कारस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ, देखिए
इसके साथ इस लैम्डा के कारस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कोई आइगन वेक्टर्स आएंगे। वेक्टर से क्या बनती है, वेक्टर स्पेस। उसने बोला इसके इस आइगन स्पेस जो इस आइगन वैल्यू लैम्डा के साथ आइगन वेक्टर के साथ जो वेक्टर स्पेस बनेगी वो इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ Rn होगी हमेशा। इसका मतलब आपको अगर बोला हो कि एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पता करो, ये इसमें जो एक सबसेट ठीक है ना, सेट दे दिया कुछ भी दे दिया एक्स टू एक्स, ठीक है। अब ये पता करो ये इनवेरिएंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी इमेज लेनी है टी एक्स, और इसकी एक्चुअली देखो ये होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्स वाई कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड होगा, इसकी एक सब स्पेस आएगी। हमको उसकी मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाने के बाद उसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है ना, और आइगन वेक्टर निकालने हैं। और ये अगर इसके इक्वल आ गया, ठीक है, अगर ये टी एक्स जो भी पूरा का पूरा सेट था ये इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया, ठीक है ना, तो ये एक्स जो है ये इनवेरिएंट सबस्पेस हो जाएगी, कि हर एक जो भी इसका एलिमेंट होगा वो लैम्डा टाइम्स इसी के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ये इनवेरिएंट सबस्पेस बन जाएगी। ठीक है, बस इतना था, याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल।